नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और भाई, इस वक्त इसी जगह पर मौजूद हूँ जड़ा सब ने उरे आना है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि एक चीज़ निश्चित है जो सबके साथ घटित होनी है और सब ने एक ही जगह पर आना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। डाट गाँव की शमशान भूमि के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो, इतनी बड़ी आपदा आज के समय आई हुई है। अपने इस एरिए की बात करूँ मैं, डाट बदौड़ गुराना खानपुर सिंदड़ डाटा का कुछ एरिया, और उस साइड की अगर आप जाओगे जींद की साइड में जाते जाओगे तो बारिश की वजह से जो है बेहाल हो चुका है सब कुछ, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन इस समय भी कुछ समाज सेवी साथी है जो समाज सेवा में हरदम लगे रहते हैं। इस वक्त पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, राजेश बेनीवाल जी है, उसकी पूरी टीम है, और प्रदीप शास्त्री जी है जो राजली से वैसे काम करते हैं, वही बहुत ज़्यादा समाज सेवा करते हैं, आप देखते रहते हो। अब भी अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पीछे खड़े हैं, यानी पर्दे के पीछे रह करके काम करने का बड़ा अच्छा अनुभव इनका, प्रदीप शास्त्री जी का, राजली गाँव इनका है। तो एक बार मैं बात करूँगा, मेरे साथ इस वक्त राजेश बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो आज के प्रोग्राम बना रखे भाई साहब, ये पेड़ पौधे लगाने का? और आज ये अपने गांव में भाई प्रदीप शास्त्री आए हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आसपास के हर गांव में है ना, काफ़ी पौधे लगाए इन्होंने, मेरे हिसाब से लगभग 2000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं, जो अमित भाई का धन्यवाद करना चाहते हैं जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और आशा करते आगे भी ऐसा ये नए कार्य करते रहेंगे। शास्त्री जी थोड़े आगे आ जाओ। प्रदीप शास्त्री हैं राजली से, एक बार फिर बताना चाहूँगा मैं अपना। शास्त्री जी, अब तक की अगर मैं बात करूँ आपकी, मैं सोशल मीडिया पर पोस्टें देखता रहता हूँ, कितने पौधे लगा दिए अब के सीजन के? अब की बार 2000 पौधे अभी लगा चुके हम, और इसके बाद अभी 16 अगस्त के बाद दूसरा चरण चलाएंगे पौधे का, उसके बाद 3000 पौधे और लगाएंगे। 5000 पौधे हर साल हम प्रत्येक गाँव में बरवाड़ा ब्लॉक जा कर के, प्रत्येक गांव में शमशान भूमि है या स्कूल है, सार्वजनिक स्थान है, वहां जा कर के हम पौधे लगाते हैं, और गांव में बच्चों को पौधे भी, जैसे अमरूद के हैं, जामुन के हैं, आंवला है, सहजुन का पेड़ है, ऐसे पौधे हम बच्चों को और माताओं को वितरित भी करते हैं गांव-गांव में। अगर मैं बात करूँ शास्त्री जी, अब तक की कितने पौधे आपने लगभग लगा लिए होंगे? अब तक लगभग ऐसा है कि 12-13 हज़ार पौधे। पिछले 3 साल से हम शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति के माध्यम से काम करते हैं, 3 साल से ही वो समिति काम करती है पर्यावरण पर, और अनेक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेती है। हम 12000 के लगभग पौधे लगा चुके हैं और वितरित कर चुके हैं, और इस शमशान भूमि में एक पंचमुखी पौधे भी हमने लगाए हैं, वो सामने लगे हुए है, पीपल का है, बरगद है, और आंवले का पेड़ है, अशोक का पेड़ है। इसी शमशान भूमि में मैं 2 साल पहले भी लगा करके गया था यहाँ। अब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चला हुआ है, इस उपलक्ष में अब की बार तिरंगा अभियान चलेगा, और वो हर घर तिरंगा होगा, उसके लिए इस समिति की तरफ से 5000 तिरंगे हम हर घर तक पहुँचाने का काम प्रत्येक गाँव में करेंगे। सर, अगर मैं बात करूं पौधों की, आप अपने जीवन में कितना ज़रूरी मानते हैं पौधे लगाना? बहुत ज़रूरी मानते हैं जी, बढ़िया रहता है जी, बारिश में भी काम, नमी में भी का फ़ायदा उठाते हैं इससे, पर नमी भी नहीं आएगी और अच्छी प्रदूषण भी मिलेगा इससे, तो बिल्कुल पर्यावरण में भी बहुत बड़ा योगदान पौधे रहा भाई सब ने भी रहा है। भाई साहब, अगर मैं बात करूँ पौधारोपण की, के संदेश देना चाहोगे जो लोग, मैं अगर बर्थडे की बात करूं, लोग बर्थडे पे हजारों रुपये खराब कर देते हैं, लेकिन एक अपने पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं सभी बच्चों और युवाओं को बस यही संदेश देना चाहता हूं, भी सबको जो अपना पैसा हम बर्थडे पे बर्बाद कर रहे हैं, उसमें कम से कम हर अपने बर्थडे पर 10 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण अपना स्वस्थ रहे, साफ रहे, हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे। क्यों, जैसे आज जो पानी का देख रहे हैं, जो पैरेलल टाइप आया हुआ है, जिससे इसमें भी हमको काफ़ी मदद मिलेगी अगर पौधे वगैरह लगते रहेंगे तो। दोस्तों, आपने मैं लगातार पूरी कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई आसपास का क्षेत्र में जो भी होता है उसके बारे में बताने की प्रयास कर रहा हूँ लगातार। शास्त्री जी, आपके संदेश देना चाहोगे युवाओं को विशेषकर, क्योंकि युवा अगर मैं बात करें तो ऑनलाइन में चलता जा रहा है, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया के ऊपर इतना एक्टिव है, 24 घंटे में से अगर मैं बात करूं सोने के 4 से 5 घंटे देते हैं, लेकिन फ़ोन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, बाहर की एक्टिविटीयों पर किसी का ध्यान नहीं है। ये बात सही है भाई साहब आपकी,
कि हर युवा आज के दिन अगर आप कहीं भी बैठे हो पांच व्यक्तियों के अंदर, वहां समूह के अंदर फ़ोन चलता है, आपस की बातें नहीं होती लेकिन फ़ोन में ज़रूर आपस में एक दूसरे से चैट करना, फेसबुक पर ध्यान देना, ऐसे सोशल मीडिया पर युवा आज भटक चुका है। लेकिन मैं एक संदेश ये देता हूँ कि पौधे ही हमारे सच्चे हितैषी है, इसके बगैर हमारा जीवन नरक के समान है। हम पौधों से ही सब कुछ लेते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो फल हो, चाहे फूल हो, चाहे औषधीय की बात हो। अगर पौधे है तो मनुष्य इस धरती पर है, अगर पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य कैसे हो। भाई कुछ पुराने जमाने की बात पूछा है, ताऊ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ताऊ राम राम, बताया दे भी कि मैं पूछूंगा थोड़ी बात। ठीक सब है, लावल लाग रहे। अच्छा तो मैंने नहीं बता, तारला जमाना में तारला टाइम में बनी बनी आगर दी पूरी खूब आगर दी। और ईब का हालात देख के ना के लग गए, मतलब पहले पेड़ पौधे आर दे रीब को नहीं, ईब को नहीं में जाने रहे सारे तोड़ ताड़ दिए लोगों ने, तो न्यू भी लगता हुआ पहले पेड़ पौधे आगर दे बीमारी कम, आर दी बीमारी घनी पेड़ पौधे कम है, ईब ज्यादा है सारी बीमारी बदी की। तो बिल्कुल भाई ये सच्चाई है, पहले वाले जमाने की अगर बात करें, पहले बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हार दे गामा गला बनी हो आगर दी, लेकिन ये बनी तो देखने की मतलब देखने को नहीं मिलेगी आपको, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे उम्मीद करते हैं कि भाई इस वीडियो को देख करके वीडियो ने भी शेयर करो, और एक एक पौधा अपना जन्मदिन पर तो जरूर लगा करो कम से कम। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।